तो यहाँ जब आप आए, अब अगर देखें मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपको जनता आशीर्वाद दे रही प्यार के तौर पे, कितना विकास मुंगेली का आपके समय में हो पाया है, क्या क्या कमी थी पहले और अब क्या परिवर्तन होने वाला? पहले रोड नहीं थे, रोड बने, गलियां नहीं थी, गलियां बनी, सीसी गली वगैरह, बिजली नहीं थे, बहुत नगण्य था बिजली, अब 98% पीने के पानी भी 98% चल। किसानों का ये क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे किसानों के लिए जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने कुछ कार्य किए हैं आपके क्षेत्र के? किसानों के बारे में नहीं, धान खरीदे के साथ कुछ नहीं किए हमारी सरकार, दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने की जो कांग्रेस बात कर रही थी, क्या उसे भुना नहीं पाई है? छत्तीसगढ़ लोग विकास चाहते हैं या फिर जो वही पुरानी चीज़ें हैं रटी रटाई उसी पर चलना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ का विकास अब होगा भाई, 5 साल के बाद तो छोड़िए, अभी वो तो एक ही महीने के अंदर के जो अपने घोषणा को सरकार ने पूर्ण करने के शुरू कर दिया और वो अमली जामा रूप आ चुका है, तो अभी और एक के बाद एक होगा, तो लोगों को लगेगा कि छत्तीसगढ़िया कौन है, छत्तीसगढ़िया असली वो है, ये है, अब पता चलेगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी आपके मन में क्या है और क्या कुछ यहाँ पे और परिवर्तन करने की ज़रूरत लगती है आपको? परिवर्तन किया जा सकता है, पुराने स्कूल को नया बना दिया गया, जबकि नए स्कूल खोलना है और पढ़ाई के नगण्य स्थिति में उसको अच्छा ढंग से मतलब और हमारी सरकार करेगी जी। ये बीजेपी का एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाती है सर लोगों को, कि ऐसे ऐसे अचानक अचानक फैसले लेती है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो जो फैसला लेते हैं वो सही रहता है? तो ऊपर का उसमें कमेंट क्यों करूं, जो फैसला करते हैं उसे मान्य होना ही है। आगे लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है सर? कल ही हमारी मीटिंग हुई, पूरे तैयारी के लिए हो चुकी, कल गए थे मीटिंग में, बैठक में, परसों परसों फिर बैठक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। इस समय हम मौजूद हैं मुंगेली में। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक है, कद्दावर नेता पुन्नूलाल मोहले जीतते आए हैं यहाँ से, और इस बार फिर से उन्होंने 2023 में हुए चुनाव में एक प्रचंड अंतर के साथ में जीत दर्ज किया। आज वही हमारे साथ है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए 11वीं बार लगातार जीत दर्ज करना सर राजनीति में, ऐसा बहुत ही कम देखने को, क्या ऐसी खासियत आपके अंदर है जो यहाँ तक पहुँचा के लेके आ गई आपको? आम नागरिकों को आम नागरिक जो क्या चाहती है, क्यों मुझे चुनते हैं, वो नागरिक बता सकते हैं। इसको मैं निवेदन उसे मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ, ऐसे लोगों जो मुझे इतने बार चुनते आए और चुने इस वर्ष जी, इतने बार आपको चुनते आए हैं, लेकिन आपने इतने सालों तक राजनीति में किया है और राजनीति के अनुभव आपका बहुत ज़्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सबसे कद्दावर नेताओं में आपके नाम आते हैं सर, और इस समय जो 90 विधानसभा की सीट है उसमें दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता यही हैं पुन्नूलाल। पहला डोमालाल कोरसेवाड़ा जी, जिनका हमने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू लिया है, आपने देखा होगा, और पुन्नूलाल मोहली जी दूसरे हैं 90 विधायकों में। हम जानना चाहते हैं सर, चूंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रहता है हर किसी के जीवन के बारे में पूछना, आपका बचपन से लेकर अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा है, उतार चढ़ाव भरा, आपके संघर्ष और सफलता की कहानी ज़रा बताइए। ना मेरी कोई सफलता की कहानी ना सफ़र है, लोग चुनते गए हैं और विधानसभा विधायक चाहे सांसद हो और फिर अपना विधायक बनाए, ये मैं जानता हूँ। वो लोग क्यों चुनते हैं इसके बारे में नहीं कुछ पता नहीं, वो तो चुनने वाली बात अलग हो गई, लेकिन मैं आपके जीवन के बारे में पूछ रहा हूँ कि बचपन में आप कैसे थे, आपकी शिक्षा दीक्षा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं गांव में पढ़ा हूँ, सरपंच रहे आप वहाँ से, उसके बाद जी 2 बार सरपंच रहा, जनपद सदस्य रहा, जनपद अध्यक्ष रहा। परिवार का माहौल था राजनीति वाला? मेरे परिवार में कोई राजनीति व्यक्ति नहीं। आप अकेले हैं जो वहाँ से उठ के आए हैं? हाँ, मेरे परिवार में अकेले अपने पिताजी का सुपुत्र हूँ। हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे सर, काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ आप नेता हैं। 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन करने की सोची, 2 साल सेकेंड ईयर के बाद आपने छोड़ दी। कॉलेज पढ़ना शुरू किया, एक बार पास हुआ, दोबारा फिर हमने इधर इधर का पढ़ाई में शुरू आ गए, राजनीतिक पढ़ाई में आ गए। अच्छा, उसके बाद में वो पूरा नहीं कर पाए। पहला जो चुनाव था आपका कैसा था, कैसा वो अनुभव था पहला चुनाव? पहला चुनाव में खुशी होती है, चुनाव में टिकट मिलता है, लोग
लोगों का अनुभव अच्छा रहा, लोगों का रिस्पांस मिला अच्छा रहा। सरपंच के कार्यकाल के तौर पर अगर देखें और एक विधायक के कार्यकाल को देखें तो कितना आसमान जमीन आसमान का फर्क। जिसने सरपंच पद चला लिया वो विधायक पद चलाएगा, जिसने जनपद चलाया विधायक चलाएगा, सर विधायक चले उन्हें सांसद भी चला, सांसद चलाए वो मंत्री भी पद चला सकता है। नहीं मैं वही समझना चाह रहा हूँ सर, चुनौती दोनों की अलग अलग होती है, उसको एक सीमित दायरे चुनौती एक छोटे स्तर की है, चुनौती एक बड़े स्तर के, अंतर यही है। तो यहाँ जब आप आए, अब अगर देखें मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपको जनता आशीर्वाद दे रही प्यार के तौर पे, कितना विकास मुंगेली का आपके समय में हो पाया है, क्या क्या कमी थी पहले और अब क्या परिवर्तन होने वाला। पहले रोड नहीं थे, रोड बने, गलियाँ नहीं थी, गलियाँ बनी, सीसी गली वगैरह, बिजली नहीं थी, बहुत नगण्य था बिजली, अब 98% पीने के पानी भी, 98% 94% सिंचाई की सुविधा भी जो डबल हो गया, जो पहले 10-60% कुछ 25% में आ गया। गांव में बांध बने, पुल पुलिया बने, रोड बने, शिक्षा का प्रसार हुआ, मिडिल स्कूल बना, हाई स्कूल बना, कॉलेज हुआ, यहाँ पूरा जिला एक अलग बना था, जिला के बाद जो जिला का ढांचा हो, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का ये आसार दिखने लगा पूर्व सरकार की भांति। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष काम ही नहीं हुआ जितना किया भारतीय जनता पार्टी के 15 साल कार्यकाल में हुआ। किसानों का ये क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे किसानों के लिए जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने कुछ कार्य किए हैं आपके क्षेत्र के। किसानों के बारे में नहीं, धान खरीदे के साथ कुछ नहीं किए हमारी सरकार। दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपये भेजते रहे किसानों के सम्मान निधि के नाम से। अभी वर्तमान सरकार है 15 क्विंटल के जगह 21 क्विंटल धान खरीद रही, 3100 रुपये में खरीद रही है। उस तुलना करें तो हमारी सरकार अच्छी, वर्तमान सरकार ठीक है जी। अगर बात करें यहाँ पे रेलवे लाइन की बहुत पहले से मांग चल रही है, अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है, क्या और इसको मजबूती से रखेंगे आप मुझे। ये रेलवे लाइन की बात कर मैंने पिछले से, अभी हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उससे भी बात मैंने रखी है कि इसमें 49-51 का रेशो होता है, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गए, राज्य सरकार ने के कांग्रेस सरकार ने दिया। मैं कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी से मांग किया जब जरागांव में आए थे तो बोले, और उनके मतलब शासकीय कार्यक्रम था तो बोले मेरे से नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। मैंने हमारे माननीय विष्णु साई जी से मैंने बात किया, जरूर देखेंगे रेलवे का मीटिंग हाल में हम चर्चा करें। मैं कल भी चर्चा क्यों, 18 दिसंबर को लालपुर आए थे, जाते जाते वक्त मैंने कहा कि मांगो, 4 मांग को मैंने दे दिया, तो अब जरूर मैं देखूंगा, उनको आश्वासन दिया। मतलब अब मुंगेली वासियों आसार लग रहा है जी, मतलब मुंगेली वासी अब उस दिन का इंतजार खत्म होने वाला है ऐसा। डबल इंजन की सरकार है तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हमारा पूर्ण विश्वास। कांग्रेस हारी लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं था कि बीजेपी जीतेगी, आपने टीवी में भी देखा होगा सर, बड़े बड़े एग्जिट पोल आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ही इस बार जीतने वाली है, ये जो जीत है क्या कारण लगता है कांग्रेस के हार का और आपकी जीत का। मैं कारण नहीं बताना चाहता, जनता जिसको चाहती है आगे बढ़ा सकते हैं, नीचे कर सकती है। लेकिन फिर भी कोई केंद्र बिंदु तो आप मानते होंगे कि कांग्रेस ने गलती की। केंद्र बिंदु बहुत है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र कहें, माननीय प्रधानमंत्री आना, गारंटी देना हर घोषणा पत्र का, लोगों को विश्वास जताना, यहाँ महिलाओं के लिए 1,000 रुपये गारंटी देने की बात थी वो आज शुरू हो गई, 18 लाख लोगों को आवास देने की बात थी जो नहीं, पिछले सरकार ने नहीं दिया, धान किसान को बोनस देने की बात थी, किसानों को धान की कीमत बढ़ाने की बात थी, 2100 से 3100 रुपया बोनस प्रति एकड़ 300 रुपये देने की बात थी, शिक्षित लोगों को या बेरोजगारों को या उद्योग करने वालों को 50% जो राशि कर्ज लेगा उसमें छूट की बात थी, बिना ब्याज की बात थी, गरीब लोगों का भी चावल की योजना थी, देखो चावल अब 1 रुपये में दिया जा रहा था अब मुफ्त में सरकार दे रही है, तो अनेक योजनाएं थे, बिजली गली रोड इतने 5 साल के अगर कांग्रेस के कार्यकाल को देखें वो विकास नगण्य था। इन सब बातों को जनता ने अच्छा सराहा और पिछले 15 वर्ष के बीजेपी की सरकार को उन्होंने तुलना किया, ऐसा मैं मानता हूँ, इस कारण लोगों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन वो लोग तो सत्ता में रहते ये कहते थे कि बीजेपी ने जो 15 सालों में नहीं किया उन्होंने 5 सालों में करके दिखाया। वो तो जनता ने बता दिया कि किसने कितना क्या किया, वो तो जो लोगों के सामने अभी भी रोड गड्ढे हैं, बिजली पे पंप नल जल योजना चल रहा है वो गांव में खोद दिए गए वो भी पटे नहीं है, तो मैं 2 ही पॉइंट ज़्यादा बोल सकता हूँ उदाहरण। छत्तीसगढ़िया वाद को बढ़ावा देने की जो
कांग्रेस बात कर रही थी, क्या उसे भुना नहीं पाई है? छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ लोग विकास चाहते हैं या फिर जो वही पुरानी चीज़ें हैं रटी रटाई उसी पर चलना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ का विकास अब होगा भाई, 5 साल की बात तो छोड़िए, अब वो तो एक ही महीने के अंदर जो अपने घोषणा को सरकार ने पूर्ण करने के शुरू कर दिया और अमली जमा रूप आ चुका है, तो अभी और एक के बाद एक होगा, तो लोगों को लगेगा कि छत्तीसगढ़िया कौन है, छत्तीसगढ़िया सलीम वो है ये है, अब पता चलेगा। आपको लगता है कि ये जो 5 साल हैं उसमें जितने वादे आपकी पार्टी ने किए हैं, मोदी की गारंटी नाम आप लोगों ने दिया है, ये गारंटी पूरी होगी? वो तो पूर्ण होने ही है, अभी शुरू हो गया है। हो गया है, लेकिन हम कुछ दिनों पहले उमेश पटेल पूर्व मंत्री हैं उनसे हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये वादा पूरी रूप से लागू नहीं होंगे। पूरी रूप से लागू हो चुकी है, कैसे लागू हो चुके हैं? 3,716 करोड़ रुपया किसको दे दिए गए? बोनस को 1,200 करोड़ रुपया महिलाओं के 1,000 रुपये देने में हो गए, किसान का बोनस का पैसा भी पास हो चुका है और किसानों का जो 21 क्विंटल धान है उसको 3100 रुपये के भाव पे वो भी आदेश हो चुका है, तो पूर्णतः लागू हो तो वो तो सामने सब दिख रहा है। अब वो पूर्णतः क्या होता है, पूर्ण और पूर्ण योजना शुरू हो गई, कार्य शुरू हो गए, लोगों को पेमेंट मिलना शुरू हो गए, ये पूर्ण है। इनके सरकार काल में तो इनको भत्ता नहीं दे पाए थे शिक्षित बेरोजगारों को, वो तो 5 साल में पूर्ण हुआ, तो अगर तुलना करें तो वो तो देख आलोचना वाले तो करने करने हैं उसको, और वो कहने के उसके पास रास्ता है, विधानसभा में जो मैं कहा 1 साल में मतलब क्या, मैं कहा बच्चा अगर शादी किसी को होता है, मैंने कहा साल कितने टाइम में बच्चा होता है, मैंने विधानसभा बोला साल लगता है किसी को 2 साल में होता है, तो अभी साल भर नहीं हो, एक ही महीने में सरकार ने पूर्ण कर दिया, इसका मतलब लोगों को विश्वास शुरू हो गया, विश्वास लोगों ने करना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि आपकी सरकार बनने के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने जो वो महतारी बंधन योजना जो लाया उसने आपको ज़्यादातर फायदा दिलाया है? पूर्ण योगदान है माताओं का, बहनों का उसमें, लेकिन अभी तक के वो उसके लिए नियम नहीं आए हैं, नियम इतने कड़े तो नहीं हो जाएंगे सर कि अप्लाई ही ना कर सके ज़्यादा? विवाहित महिला को देना है, सभी महिलाओं को देना है, विवाहित शब्द से समझ लीजिए, कोई नियम बनने का प्रश्न नहीं उठता। विवाहित तो चलिए ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें कोई क्राइटेरिया डाल दें? विवाहित शब्द में क्या क्राइटेरिया डालेंगे, विवाहित महिला को देना है। अगर कह दिया जाए कि आपके घर की आय इतनी है तो आपको नहीं मिलेगी, फिर वो कल की बात है, आय होगी नहीं होगी, विवाहित महिला को देना है, बस ये बता देता हूँ। नियम कब बनेगा, नहीं बनेगा, कितना बनेगा, वो हमारी सरकार, मैं सरकार, मैं सरकार के अंग है, विधायक है सरकार के अंग बात पर का, तो अभी जो नियम इस तरह के अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ पे रेलवे लाइन की बात कही, अगर रेलवे लाइन बन जाते तो कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे बन सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ के हर हाथ को रोज़गार मिलेगा। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है रोज़गार को लेकर और क्या कुछ? तो सरकार की स्थिति नगण्य है, हमारी सरकार रोज़गार देने कटिबद्ध है, औद्योगिक केंद्र खोलने का है, पार्क बनाने का है, युवाओं को आगे बढ़ाने का है, उद्यम आगे आने का है, और अभी औद्योगिक केंद्र है अपने खमरिया में, 60 एकड़ ज़मीन है, सुरक्षित है, पूरा प्लानिंग हो चुका है, रोड भी बन गए, मकान भी बन गए और आवेदन भी ले जा रहे हैं, उससे बहुत लोग वहाँ होगा, कम रुपए में, कम 1 रुपए में उसको ज़मीन मिलेगा। उद्योग के दृष्टिकोण से अगर मैं मुंगेली की बात करूँ तो वैसे पूरे प्रत्येक ज़िले में औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक दृष्टिकोण से और नए उद्योग लगाएंगे, जो अपने आप लोग ठेका सिस्टम में काम करेंगे बिजनेस में, टेंडर होगा 50 लाख 1 लाख तक ऐसी मिलेगा, लोगों का 50% छूट है, जो युवक मिलेगा अपने उद्यम बनेगा उसको 50% अनुदान मिलेगा और जिसमें उसका भी ब्याज भी छूट है। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें यहाँ पर मुंगेली में, आत्मानंद स्कूल खोले था आपके यहाँ? सभी जगह, मेरे यहाँ सभी जगह खोले पूर्व सरकार ने। शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी आपके मन में क्या है और क्या कुछ यहाँ पे और परिवर्तन करने की ज़रूरत? और परिवर्तन किया जा सकता है, पुराने स्कूल को नया बना दिया गया, जबकि नए स्कूल खोलना है और पढ़ाई के नगण्य स्थिति में उसको अच्छा ढंग से मतलब और हमारी सरकार करेगी, जिससे लोगों का शिक्षा के स्तर, जो इंग्लिश पढ़ने वाले हो चाहे हिंदी वाले विद्यार्थी हो, हमारी सरकार जी अच्छी हो रही थी, एक इनके इंग्लिश का पढ़ाई मतलब एक आत्मानंद स्कूल नाम से था, तो उसको और अमली जामा रूप अच्छे ढंग से हमारी सरकार करेगी। आवारा गाय पशुओं को रखने के लिए गौठान योजना, जिसके माध्यम से बहुत सारे खाद वाद भी बनाए जा रहे, आपके यहाँ स्थिति ठीक थी कांग्रेस के समय में? जो नगण्य थी, कुछ नहीं था, तो अभी उस स्थिति को सुधारेंगे या फिर उस योजना को बंद कर देगी सरकार, क्या लगता है आपको? वो सरकार का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। एक कदम आगे बढ़ते हैं सर,
मुंगेली में हैं हम इस समय, मुंगेली में क्या कुछ संभावनाएं आपको दिखती है और कैसा मुंगेली पुन्नूलाल मोहली जी सोचते हैं बनना चाहिए? मुंगेली में देखो रोड बढ़िया हो, लोगों को धुमे को काम मिले, एक पर्यटक स्थल भी हो, लोगों को पर्यटन के दृष्टिकोण से जाए, सिटी स्कैन मशीन हो यहाँ, और यहाँ एक और जो 15-20 किलोमीटर में कॉलेज हो जाए, नया टेक्नोलॉजी आ जाए यहाँ का, तो लोगों का भी विकास होगा। उसके बाद ये जो क्या नाम से यहाँ कॉलेज मेडिकल कॉलेज हो जाए जिससे लोगों का इलाज की सुविधा हो जाए, मेन तो सुविधा है। बाकी सरकार तो दे रही है, चावल भी दे रही है, बिजली भी दे रही है, पानी भी है सरकार की नल जल योजना में, केंद्र सरकार का गैस भी दे रहा है, और सभी सुविधा मिल रही है। महिलाओं को एक 1,000 रुपये मिल रहे हैं, भूमिहीन है उनको भी 10,000 रुपये मिल जाएगी, तो लोगों का विकास अपने आप होकर गति पहुँचेगी। उद्योग बढ़ना आवश्यक है और लोगों में एक ट्रेनिंग हो, जो बहुत से कार्य करने वाले ट्रेनर हो जाए हर मतलब उद्योग के लिए, तो ट्रेनिंग करेंगे और उसको अपने पैर में खड़ा होंगे। चिकित्सा की बात कही आपने, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत भी है आज के दिन, आवश्यक है मुंगेली में, आपने मांग की है इसके लिए? मांग की है। क्या क्या प्रतिक्रिया मिली है? अरे अभी प्रतिक्रिया क्या, मांग होता है बजट में आएगा, चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो मूलभूत चीज़ें हैं, बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक है आपके यहाँ? 2400 घंटे आती है बिजली? हाँ, पूरे सरकार में जो थी ट्रांसफार्मर खराब होते थे, ये बिजली जमने में तब भी सरकार बनने के बाद रोटेशन में आ चुका जी। ये बीजेपी का एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाती है सर लोगों को, कि ऐसे ऐसे अचानक अचानक फैसले लेती है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो जो फैसला लेते हैं वो सही रहता है? ऊपर का उसे मैं कमेंट क्यों करूं, जो फैसला करते हैं उसे मान्य होना ही है। वो तो आप लोग कार्यकर्ता हैं, आपको स्वीकार करना ही है, कर्तव्य को स्वीकार करना ही है। आगे लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है सर? कल ही हमारी मीटिंग हुई, पूरे तैयारी के लिए हो चुकी, कल गए थे मीटिंग में, बैठक में, परसों फिर बैठक है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते कोई ऐसा संदेश जो आपके क्षेत्र की जनता को देना चाहें सर? मैं जेंद्र का जनता खुशहाली रहे, बढ़िया रहे, हम सब मिल के काम करें, हम चाहते हैं जनता को मैं भी धन्यवाद देता हूँ, लोग 11 बार चुने, हम कंधे से मिल कंधा मिल से कार्य करेंगे और जितने क्षेत्र के विकास हमसे हो सके हम करेंगे जी। चल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है पुन्नूलाल मोहले जी, बहुत कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो मुंगेली की जनता चाहती है कि यहाँ पर रेल लाइन बिछे, मेडिकल कॉलेज हो, वो आने वाले समय में यहाँ पर साकार होने वाली है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।